को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करें क्योंकि हमारा सिलेबस भी तो कंप्लीट नहीं हो रहा, ऊपर से एग्जाम के भी नोटिस आ रहे हैं और हमारे स्कूल में छुट्टियां हो रही हैं, वहाँ से हमारी शॉर्टेज निकल रही है और जो हमारा रास्ता था वो बंद कर दिया जाएगा। जो नसीम शाह था उन्होंने बोला था कि हमारी जो 10 फुट की गली वो आपको दी जाएगी और जो उनकी जगह थी वो अपनी सारी उन्होंने सारी बेच दी, वो 10 फुट की कोई गली नहीं है और जिनकी मलकियत की जिस रास्ते से हम जाते थे वो मलकियत की जगह थी, उन्होंने अपनी मलकियत करके वहाँ पर गेट लगा दिया गया और ये सारे जो स्टूडेंट हैं वो अपने ये प्रॉब्लम लेके सारे खड़े और हमारी यही मांग है कि हमारा रास्ता खोल दें। आपको ये गवर्नमेंट का आभार जानना चाहते हैं कि जहाँ ये रास्ता बंद हुआ है, ये रास्ता तकरीबन 20 साल से चलता रहा है और जब यहाँ जगह खरीदी गई थी, जगह ली गई थी, उस वक्त ये रास्ता खुला था। अब एक आदमी ने उसने जिसको अलमारूफ हांडा कहते हैं तो उन्होंने कहा कि ये मेरी मालकी है, उसने उसमें गेट लगा दिया और रास्ता बंद कर दिया और जिसकी वजह से 50 घर जो हैं और ये बच्चे जो हैं ये बंद हो गए। अब कोई रास्ता जाने के लिए नहीं है, कहीं भी लंकने के कोई रास्ता नहीं है। ये रास्ता पहले जब से आए हैं 20 साल से रास्ता चलता रहा है। एक चीज जानना चाहूंगा, अभी रास्ता डेढ़ हफ्ते से रास्ता बंद है, वहाँ गेट लगा दिया है, वहाँ 50 घर बना हुआ है, कम अज कम 100-150 जो है ये सफर कर रहा है, ये सुकून से बंद है। अब रास्ता ही कोई नहीं है। हम अपने जनाब डी साहब के पास जाएंगे, उनसे अपील करेंगे कि हमारा इन बच्चों का रास्ता खोल दे, बच्चे स्कूल जाए। हम इधर बैकवर्ड एरिया से आए हैं, हमने जगह ली हुई है और हमारा रास्ता 2-3 हफ्ते से बंद किया गया, हमें स्कूल में हमारी अटेंडेंस कोई नहीं लग रही, हम एब्सेंट हैं और हमारी बोर्ड की क्लासें हमने पढ़ना भी होता है और बाकी भी खर्चे हमारे पास कोई नहीं है। रास्ता वगैरह जो हमारा था वो बंद कर दिया गया है। किसने बंद किया बच्चे आपका रास्ता? हमारा रास्ता जिसे हमने जगह ली थी उसने बोला था कि आपका रास्ता दूसरी जगह से नसीम शाह ने बंद किया हुआ है और उसने एक और रास्ता बताया था, वो किसी और की जगह थी, अब उसने भी वो अपनी जगह बंद कर दिया, गेट लगा दिया, अब हम कहाँ जाएं, हमारा रास्ता ही कोई नहीं है, रास्ता बंद है हमारा। बच्चे जगह कौन सी है जहाँ आपका रास्ता? कोठार आधा है, ये जो RTO ऑफिस है पुराना इससे ऊपर है जगह ली हुई। पहले जब हमने जगह ली थी उस टाइम बोल रहे थे कि इधर 10 फुट गली हम देंगे, जब तक ये रास्ता खुला इधर से चलो, लेकिन जब ये रास्ता बंद हो गया हम 10 फुट गली देंगे आप जाना, लेकिन अब जब उस बंदे ने रास्ता बंद कर दिया और ये बोल रहे कि अब वो रास्ता भी नहीं दे रहे ना, उधर हमारे पास कोई, आज 2 हफ्ते से हम स्कूल नहीं जा रहे, हमारे बोर्ड की क्लासेस हैं, हम कैसे पढ़े क्या करें, ये हमारी मांग है, हमारा रास्ता खोलो। हमारा रास्ता हमारा